नमस्ते दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम ने 2023 के वर्ल्ड कप में 9th पोजीशन पर फिनिश किया है, जबकि हमने 2018 का वर्ल्ड कप जो कि ओडिशा में हुआ था हमने जीता था। हम सबके कोई ना कोई फेवरेट क्रिकेटर प्लेयर होंगे और हम सब में से एटलीस्ट 10 से 11 जो कि क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनका नाम पता होगा। बहुतों के हम बहुत बड़े फैन भी होंगे, लेकिन हम में से ऑलमोस्ट सबको 10 या 11 हॉकी प्लेयर्स के नाम नहीं पता है। ये एक कड़वा सच है। हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा, लेकिन हॉकी के केस में ऐसा नहीं दिखता है। हॉकी के केस में केवल एक स्टेट ऐसा है जो कि स्टैंड आउट करता है, वो है ओडिशा। ओडिशा में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉकी के लिए। हम एक समय पर हॉकी के स्टार टीम हुआ करते थे और हमारे देश से कितने बड़े बड़े हॉकी के प्लेयर्स निकले हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद एंड और भी हैं। और मेजर ध्यानचंद को तो बल्कि हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि हॉकी के इतने बड़े प्लेयर, इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी हमारा डिक्लाइन हो गया, और कैसे अब ओडिशा हॉकी को रिवाइव करने में एक मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इंडियन हॉकी के बारे में। हॉकी इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी में खेली जाती थी। उसके बाद इंडिया में उस टाइम पर बहुत सारे खाली प्लॉट्स हुआ करते थे, जिसने हॉकी को और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। 1855 में इंडिया में पहली बार हॉकी क्लब बना। उसके नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में बाइटन कप जो कि कोलकाता में हुआ करता था, आगा खान टूर्नामेंट जो कि बॉम्बे में हुआ करती थी, इन टूर्नामेंट्स ने हॉकी को और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी, जो कि करेक्ट एक साल बाद थी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना के बाद। 1926 में इंडिया का पहला टूर्नामेंट हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। उस टूर्नामेंट में टोटल 21 गोल्स किए गए थे, जिसमें से 18 ध्यानचंद ने किए थे। एंड वहाँ से एक नया प्लेयर जो कि आगे चलकर हॉकी का जादूगर के नाम से जाना गया, वहाँ से एमर्ज हुआ। 1927 में इंडिया को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मेंबरशिप मिली, और उसके बाद हमने 1928 में अपना हॉकी वर्ल्ड कप खेला और उसमें हमने गोल्ड जीता। इंडिया की ओर से इंडिया के साथ जितने भी मैच हुए थे उसमें टोटल 29 गोल्स हुए थे इंडिया की ओर से, जिसमें से 14 तो मेजर ध्यानचंद ने किए थे। और उसकी एक स्पेशल बात यह है कि इंडिया ने ये वर्ल्ड कप कोई भी गोल करवाए बिना जीता, मतलब दूसरी किसी भी टीम ने इंडिया को कोई गोल नहीं कर पाए। उसके बाद 1932 और 1936 में भी हमने वर्ल्ड कप जीते। ये हमारी पहली वर्ल्ड कप्स की हैट्रिक थी। 1936 के बाद उभरते हुए हॉकी के स्पोर्ट्स पर वर्ल्ड वॉर टू का खतरा छा गया, लेकिन 1948 में जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद हॉकी दोबारा रिटर्न हुआ, तो अब की बार 1948 के वर्ल्ड कप में इंडिया को इंडिया के नए जीनियस बलबीर सिंह लीड कर रहे थे, और उन्होंने हमें इंडियन हॉकी वर्ल्ड कप के गोल्ड्स की दूसरी बार हैट्रिक दिलाई। मतलब 1948, 1952 और 1956 के वर्ल्ड कप्स में हमने गोल्ड जीता। और अब की बार की हैट्रिक की एक स्पेशल चीज़ ये थी कि अब की बार हमने एज एन इंडिपेंडेंट नेशन वर्ल्ड कप्स में पार्ट लिया था। लेकिन उसके बाद पता नहीं कि इंडियन हॉकी पर किसकी नज़र लग गई। उसके बाद हमारा धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। 1960 में हम पाकिस्तान से ओलंपिक्स में हार गए। 1958 में एंड 1962 में हमने जो एशियन कप्स थे उनमें सिर्फ हम सिल्वर जीत पाए। एंड 1968 के ओलंपिक में हमने केवल ब्रॉन्ज जीता, जो कि अभी तक हुए वर्ल्ड कप्स में सबसे लोवेस्ट पोजीशन थी। ये शो करता है कि इंडिया की पोजीशन जो कि एक वर्ल्ड लीडर की थी वो धीरे धीरे वीक हो रही थी। लेकिन
अब हॉकी के लिए कंडीशंस बदल रही हैं, हॉकी धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है, एंड इसका सारा क्रेडिट एक स्टेट को जाता है जो कि है ओडिशा। ओडिशा ने इंडियन हॉकी को रिवाइव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले ओडिशा हॉकी को उनके कल्चर का एक पार्ट मानता है। 2018 में सहारा की एग्जिट के बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। ओडिशा ने कलिंगा स्टेडियम को बनाया जो कि एक वर्ल्ड क्लास हॉकी स्टेडियम है। उसके बाद ओडिशा से हमें बहुत से फाइनेस्ट प्लेयर्स मिले हैं इंडिया को, जैसे फॉर्मर कैप्टन दिलीप तिरके, डिफेंडर लजारुस बारला, एंड वुमेन प्लेयर्स लाइक ज्योति एंड सुनीता कुल्लू जो कि वेस्टर्न ओडिशा के ट्राइबल बेल्ट से बिलोंग करते हैं। इसीलिए ओडिशा को नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम वो भी राउरकेला ओडिशा में है, और ओडिशा ने 2018 और 2023 के वर्ल्ड कप्स को भी होस्ट किया है। और ओडिशा ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड्स बनवाएंगे पूरी ओडिशा के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। आई होप कि ये नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं।